हाँ हाँ जुनेद, कैसे हो? जी, ठीक ठाक। आज तो तैयार हो गई तुम? हाँ, आज मैं तैयार हो गई हूँ. उस दिन मैं बिल्कुल, हाँ पहला दिन था ना मेरा लाइव सेशन का, तो किचन से हाँ आके बैठ गई थी. कैसे हो जुनेद? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, क्या सीन है? बिल्कुल ठीक. अच्छा कश के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और थैंक यू, आपने अच्छा कश में काम किया मेरे साथ. अपनी बिल्कुल तनाव को साइड पर रख के हाँ, जो है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। वाह, बहुत गहरी चाहे बातें कर झाड़ू रहे हैं। लगे, चाहे डस्टिंग हो. नहीं, होनी चाहिए ना डस्टिंग, हमारा झाड़ू, डस्टिंग, झाड़ू. और जुनेद, इस वाले सेट पे एक अजीब चाय सी एक बनाना। फीलिंग है. हाँ, ये भी किया है. और हम, और बाय द वे, मैं बता दूं, जुनेद ने इस ड्रामे में पहली दफा बाइक चलाई है. ओए ओए, ये भी कमाल एपिसोड था। बाइक चलाने की, वो भी मतलब हमारी पाकिस्तान की हीरोइन को पीछे बिठा के चलानी थी। मतलब ये लेवल था। दानिश नवाज ने कहा कि भाई ये लो बाइक पकड़ो चला लो। मैंने कहा हैं मैंने कहा मैं और जिंदगी में नहीं चलाई। लेकिन ऐसा लग भी रहा था कि कभी नहीं चलाई, लग रहा था कि चलाई है. ये ये देखो, क्या बात है? ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस था। ये देखो, तुम अगर मुझे कॉन्फिडेंस ना देती तो, और अगर ऐसी कोई हीरोइन होती जो कहती नहीं भाई, नहीं भाई, क्या कोई सीन नहीं है, मैंने नहीं बैठना, तो मुझे लगता है फिर कि जब एक्टिंग, जब एक्शन हो जाता है ना, तो हाँ अगर मुझे डायरेक्टर या कोई डायरेक्टर कहे शीशों पे चलना शुरू हो जाओ, तो शायद मैं चलना शुरू हो जाऊंगी. क्यों है ये ऐसा? ये मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है. मुझे कोई डर नहीं होता जब मैं जो है वो मैं मुझे लगता है कि दानिश भाई को मुझे कॉल पे ले लेना चाहिए, और दानिश भाई से मुझे जरा कॉल पे बात करनी चाहिए. क्या कहते हो? अब बिल्कुल। पूछना चाहिए इनसे कि कहाँ है इस वक्त. हमारी आवाजें आएंगी कि हमारी आवाज तो नहीं आएंगी? हाँ, आवाज तुमने नहीं भी लगाया हुआ, आएगी. हेडफोन लगाया हुआ। हाँ, हेडफोन्स लगाए हुए. तो ये जुनेद, अगर और हाँ अगर दानिश का आ जाए, बिजली आ जाए, तो फिर दानिश को लाइव ले लेना, हाँ लाइव ले फिर लूंगी. उसको अभी तो बात पता करके नहीं, फिर। मुझे मैसेज कर दें तो मैं ले लूंगी लाइव. लेकिन जुनेद से जो है वो सुनिया आ रहा, मैं दानिश भाई ने एक चीज कराई थी कि सीढ़ियों से गिरती हुई लड़की को पकड़ना है. तो ये भी तो कभी नहीं हाँ किया होगा जुनेद तुमने. बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया ना? मतलब हाँ सीढ़ियों से मैं और आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, स्लिप होके गिरी और शपैंग करके तुमने पकड़ लिया. तो ये भी एक मुश्किल टास्क था, ये भी तुमने कर लिया. आज तक उसके जो है वो कटआउट्स में देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग हैं मेरे फैंस और तुम्हारे भी होंगे, वो ये जरूर मुझे भेजते होते हैं. और वो एक पैरों वाला शॉट, तो मुझे उम्मीद है जब वो ये ड्रामा देखेंगे तो वो नए कटआउट्स और नए कॉलाजेस और चीजें बना रहे होंगे. हाँ बिल्कुल। अरे यार भाई, बाइक वाले अभी तक परेशान हो रहा हूँ बाइक वाले बाद में। सारे जवाब देगा, हाँ पहले यार एक चक्कर वहां लगाओ, एक चक्कर वहां लगाओ। मैं 2-3 चक्कर लगाए, पर मेरे अंदर वो एक वो शरा फैसल पे जो हमारे जो बॉयज चलाते हैं ना, बॉयज होते हैं. वन व्हीलर निकला मेरे अंदर का। मैंने थोड़ा खड़े होकर भी देखा, लेकिन चलो, लेकिन अच्छा है डायरेक्टर ने कॉन्फिडेंस दिया यार, और कुछ हद तक। झाड़ू तक दे दिया मैंने यार। तो बिल्कुल. और जुनेद के साथ जब भी मैं काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब डायरेक्टर दानिश नवाज हो तो मुझे सारा वक्त सुनियारा वाला जो है वो सिनेरियो मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था वो कि ये याद करते बिल्कुल, रहते हैं, वही सारी बातें। हाँ वो सारी बातें हम याद करते थे. और सुनियारा क्योंकि क्योंकि मेरे दिल से बड़ा करीब प्ले है. इसका ये है कि मैं हर वक्त बैठ कर रहती थी कि यार पता नहीं मैं इसमें सेकंड लीड हूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं तो हीरोइन बनने आई थी और ये मुझे क्या. लेकिन जब सुनियारा का पहला टीजर चला तो मैं तो हैरान थी. और इंशाल्लाह जब इसका भी टीजर, जब इसका भी गाना, इसका गाना बाय द वे बहुत खूबसूरत है. और जुनैद क्या कहेंगे इसके गाने के बारे में आप? यार ओएसटी जो मुझे याद है, जब मैं दानिश और मैं प्रोजेक्ट की शुरू शुरू की डिस्कशन कर रहे थे, तो ओएसटी हमारे पास आया था, और दानिश ने, मैंने बैठ के ओएसटी सुना, और मैंने कहा भाई दानिश ये तो कमाल ओएसटी है। मैं म्यूजिशियन हूँ, मुझे आइडिया है कि एक अच्छे गाने की क्या वैल्यू होती है किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल प्रमोशन के लिए। बड़े बड़े हिट प्रोजेक्ट्स बिल्कुल जो जा चुके हैं, उनकी उनके हिट होने के पीछे जाहिर बात है स्टोरी स्क्रिप्ट कास्ट तो होती है, लेकिन इनिशियल पुश देने के लिए ओएसटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनियारा था, बहुत सुनियारा का इम्पोर्टेंट. जो ओएसटी जो था, अगर वो ओएसटी ना होता तो शायद वो प्रोमो इतना हिट ना होता जो और पहला उस प्रोमो ओएसटी में भी दानिश भाई ने बहुत दफा चीजिंग्स कराई हैं.
और बहुत दफा नवीर नौशाद के कान खाए हैं, दिमाग भी खाया है क्योंकि डायरेक्टर का मुझे लगता है कि उसको सिर्फ डायरेक्शन ही ना करनी होती, उसको गाना भी देखना होता है, उसको फील भी बनानी होती है। और दानिश भाई ने शुरू से कॉमेडी की है, तो जब मेरा प्ले पहला था दानिश भाई के साथ तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, मुझे लगता था यार ये तो कॉमेडी करते हैं इनको, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत हैरान किया और सिर्फ मुझे ही नहीं किया, इंडस्ट्री के बहुत सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स और सबको हैरान किया। कि एक दफा मैं दानिश भाई के साथ एक शो में थी और वो एक कुछ डिनर था कहीं पे और बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी मौजूद थी वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो तीन बड़ी एक्ट्रेसेस ने आके दानिश भाई से कहा कि आपके ड्रामे में हम कब काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी ना मुझे फील आई कि यार देखो दानिश भाई ने प्रूव किया कि भाई कॉमेडी एक अलग चीज है और डायरेक्शन के लिए अंदर वाला जो मेरा एक सेंसिटिव और डीप और इमोशनल आदमी है वो एक डिफरेंट सीन है। तो ये मैं क्रेडिट दानिश भाई को देती हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में जनरली हमारे पास कोई ऐसा कॉमेडियन नहीं है जो एक्ट जो डायरेक्शन भी करता और इतने खतरनाक सीरियस प्ले कि खास भी जब मैंने देखा था दानिश भाई का तो वो भी बहुत अच्छा टॉपिक था, इश्क तमाशा बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा शूट किया था। इश्क तमाशा भी बाय द वे मैं करते करते नहीं थी क्योंकि वो बकायदा हर दो हफ्ते में ड्रामा साइन कर लेती हूँ ना तो वो भी मैं उसमें भी होती, लेकिन वो एमन ने बहुत अच्छा काम किया। एमन का आई गेस वो लास्ट प्ले था एमन, हाँ मेरे ख्याल में एमन बता सकती है मेरे ख्याल में, हाँ उसके बाद शायद एमन का नहीं कोई रिलीज है, एमन ने नहीं किया कोई काम। तो एमन का बहुत अच्छा काम था उसमें और बहुत मुझे जो है वो देखती थी जब मैं, तो मैं तो कहती थी यार दानिश भाई ने बहुत अच्छा शूट किया इश्क तमाशा भी। वो अच्छा है, दानिश नवाज जो है वो एक एक कैरेक्टर पे फोकस करते हैं, बहुत कम कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन लीड्स के साथ साथ छोटे छोटे कैरेक्टर्स पे भी फोकस करते हैं। दानिश इज वन ऑफ दोस डायरेक्टर्स जो एक एक चीज पे फोकस करना है, छोटी बहन की सहेली कब भी एक अच्छी लड़की होनी चाहिए जो कि उस कैरेक्टर के लिहाज से होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर पे बात करना, उसको इन एंड आउट बनाने, और इस कश में लंबी चौड़ी कास्ट है, मतलब बहुत बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े नाम है, वसीम अब्बास और काफी नाम है, मतलब मेरे दिमाग से नाम निकल गए हैं वही एकदम सोचते हुए, वसीम अब्बास है, मुनज़्ज़ा आरिफ है, सबा फैसल होती बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें जुनेद, बहुत ही कोई मजाहिया। और वसीम अब्बास असल में ये जो वसीम अब्बास हैं ये तो पता नहीं क्या ही एक्टर हैं, कमाल। और सेट पे भी एक रौनक है ना, सेट पे भी एक रौनक है उनसे, और इट्स अ ब्यूटीफुल सेट और बहुत ही वसीम भाई हम तो लाहौर के हैं, मैं और वसीम भाई तो हम तो बहुत चीजें बड़ी कॉमन है हम दोनों की जी मुझे पता है, नान और पराठे और खाने। जुनेद एक ऐसा इंसान है जो खुद कभी मोटा नहीं होता लेकिन उसके इर्द गिर्द काम करने वाली हीरोइनें मोटी होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो इतना पराठा और अंडा खाता है कि मुझे भी खाना पड़ जाता है, मैं कहती हूँ जुनेद देखो इसने क्यों मंगाया है, और दो तीन बाइट्स के बाद सारा मैं ही खा रही होती थी, तो ऐसा क्यों मंगाया ये क्यों किया तो हाँ है ना, तो ये कि जुनेद बहुत खाता है सेट पे, और लेकिन लगता नहीं जुनेद को कि जुनेद चला जाता है 9 बजे जिम 10 बजे और एक घंटा वर्कआउट करता है, ऐसा करता है जुनेद? नहीं नहीं रोज नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ हद तक कोशिश करता हूँ कि अपना वेट चेक में रखूं ताकि खा सकूं, मैं एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ ताकि मैं खा सकूं, ये हो जाए। हाँ ये बात है, वैसे मुझे भी इसलिए थोड़ा आजकल क्वारंटाइन में तो जुनेद तो रस मलाई और पता नहीं क्या, तुम्हारे तो नहीं तो लेकिन तुम्हारे तो इतने वो खड्डे निकल आए तुम्हारे चेहरे पे तो लगता है, नहीं ये तो पहले से है मेरा गोल, मतलब कि नहीं मतलब खत्म हो गए तो चला गया कहीं, मानी खुद पराठे खाता तुम्हें नहीं खाने देता बस, हाँ मुझे नहीं खाने देता, कहता नो बेबी खुद ही डिप्रेशन हो जाता है ना मुझे ज्यादा खा के, मैं चाह रही हूँ थोड़े मैसेजेस भी पढ़ने हैं क्या लोगों के, प्लीज है ना, सबा बलोशी के अक्सर मैसेजेस आते हैं,
अच्छा जी नशरफ 766 आपका प्रोग्राम आ रहा है बिल्कुल उसी की बात करें हम कश आ रहा है 7 अप्रैल को 8 बजे आप लोगों ने देखना नहीं भूलना ओनली ऑन हम टीवी सॉरी मैं आवाज कम कर रही हूँ मोइन बट 09 हेलो अच्छा आप लोग सवाल करें जो जो हमें देख रहा है अभी मुझे जुनैद को लाइव साथ में प्लीज हमसे सवाल करें और जो आपके दिलों में सवाल है कश से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं आप बस रो के दिखाए हीरा ऐसे रोती है यही रोना चाहिए और पका करें इसको अच्छा हाजरा कह रही है एक्साइटेड टू सी यू गाइस टुगेदर अगेन वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड और ये सुनियारा की टीम है जो दोबारा से एक साथ मिली है और इंशाल्लाह ये ड्रामा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा लुकिंग हैंडसम जुनैद भाई शारिक बोल रहे हैं जी शारिक अस्मा ने बोला कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं दानियाल माय कॉल प्लीज जुनैद आर यू आर द बेस्ट हैदर ने बोला है नाज़िश यू आर माय फेवरेट जुनैद जुनैद आप नाज़िश के बहुत फेवरेट हैं और मोहब्बत ना करियो मैं बहुत रोई थी रफ यासिन मलिक क्या कह रहे हैं हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश आर यू सिंगल हाउ वुड समवन गेट योर स्पेशल अटेंशन व्हाट दिस वाज डेट वुड यू डेट अ फैन यार मैं तो आपको पता है ऐसा सिंगल कोई सिंगल नहीं दो, है, दो, दो, बच्चे है, दो दो बच्चे हैं दो दो बच्चे हम दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह हम में से कोई भी सिंगल नहीं है सेलिब्रिटी क्रश के कौन अभी तुम्हारा मेरा सेलिब्रिटी क्रश जो था वो मेरे घर में मेरे साथ बैठा हुआ माशाल्लाह नहीं वो तो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे चलो मुल्क की बाहर की बात बता दो चलो बाहर का बता दो कोई इंडियन हो कोई हॉलीवुड हो सेलिब्रिटी क्रश पता नहीं कोई ऐसा हुआ नहीं आज तक मुझे हाँ एक्टर वैसे पसंद है रणबीर कपूर है एज एन एक्टर और बस बाकी मुझे बातें करने में शर्म आती है जुनैद सेलिब्रिटी क्रश कोई मुझसे पूछ ले मुझे घबराहट सी हो जाती है कि कैसे ठीक है सवाल कर लिया लेकिन जुनैद तुम बता दो तुम्हारी सेलिब्रिटी क्रश कौन है मेरी सेलिब्रिटी क्रश यार मुझे एक जमाने में माधुरी बहुत पसंद थी वो सबको पसंद थी और उसके बाद बंदे भी पसंद है यार बंदे भी कुछ एक्टर्स बड़े बड़े हीरो हीरो आते हैं अच्छे लगते हैं टॉम क्रूज की फिल्में मैं देखता हूँ बड़े शौक से बड़ा मजा आता है डैनियल क्रेग की फिल्म देखता हूँ मैं अच्छा लगता है ये और कुछ सवाल अच्छा किसी ने अपनी पसंद बता दी रणवीर सिंह अच्छा है अल्लाह उसको जिंदगी दे क्रश नहीं है अल्लाह उसको बच्चे दे अल्लाह उसको सारी दुआएं निकाल दो उसके लिए अच्छा दोनों मिलके कुछ गुनगुना दो गुनगुना दें एक्चुअली वो इंटरनेट का लैग ऐसे होता है कि हम बिल्कुल गुनगुना नहीं सकते टाइमिंग नहीं मैच करेगी हमारी तो जुनैद सुनियारा सुना दे ना आप जो सुनियारा सबको सुनियारा भूल गया मुझे शुरू से मैं गाऊं हाँ चलो तुम गाओ नूर हाय तो नहीं है ज़्यादा नूर बसायन आँखियों में तेरा रब हुआ तेरा मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं हो गया मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चढ़ाया सुन यारा जिन्हें तुम्हारे वो पिक्सल फट रहे हैं क्यों इनको सही करो फिर से गाओ मैं रिकॉर्ड कर बच्चे एक जगह हाँ अब सही है ठीक है अब हम दोबारा से गाते हैं ऐसे ही रहना चाहिए चल सही है सही नूर बसायन आँखियों में तेरा
जब हुआ तेरा मैं रब जाने मेरा, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। सुन यारा सुन यारा, टाउ टाउ टाउ।